चीजें एक्चुअली में हेल्दी हैं। आपका लेफ्ट कान एक ऐसी चीज करता है जिसके बारे में आपको आज तक नहीं पता था, और कैसे आप अपनी बॉडी से 9000 पेंसिल बना सकते हो और पूरे दिन मोबाइल डेटा ऑन रखेंगे तो क्या होगा। भाई वीडियो बहुत मजेदार है तो इसे अभी लाइक कर दो। नंबर 22, आप 150 रुपया देकर अपनी कार के लिए एक वॉचमैन रख सकते हो। ये खास तरीके वॉचमैन होते हैं जो आपकी कार की देखभाल करते हैं। इन लोगों को इस काम के लिए 1 घंटे के 150 रुपए मिलते हैं। ब्राजील के कोस्टारिका में ये चीज काफी कॉमन है क्योंकि वहाँ कार की चोरियां काफी होती हैं और कई बार तो कार चुराने वाले भी यही वॉचमैन होते हैं। नंबर 21, एक स्टडी के मुताबिक किसी भी इंसान की स्माइल को देख के लोग उन्हें 300 फीट दूर से ही पहचान लेते हैं। स्माइल इंसानों की सबसे रिकॉग्नाइजेबल फेशियल एक्सप्रेशन है। ये फैक्ट सुन के आपके फेस पर भी स्माइल तो आ ही होगी। नंबर 20, इंसान की बॉडी से बन सकती है 9000 पेंसिल। जी हाँ, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट बताते हैं कि एक इंसान की बॉडी में इतना सारा कार्बन होता है कि उसका इस्तेमाल करके करीब 9000 पेंसिल्स बनाए जा सकते हैं। नंबर 19, आपको लगता होगा कि हमारे जो दो कान है वो एक ही तरीके से काम करते हैं, पर भाई इन दोनों का काम अलग है। आपको अगर किसी की बात सुननी है तो आप अपने लेफ्ट कान का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई म्यूजिक सुननी है तो आप अपने राइट कान का इस्तेमाल करते हैं, जो अपना अपना काम अच्छे से करते हैं। नंबर 18, अगर आपको 12 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो आप क्या करेंगे। चाइना के एक आदमी को जब 12 करोड़ की लॉटरी लगी तो इसे उसने अपने परिवार से छुपा कर रखा, और बाद में इन पैसों से उसने अपनी एक्स वाइफ के लिए एक शानदार घर बनवाया। नंबर 17, इस औरत को अपना जॉब एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स 8 साल बाद मिला। दरअसल इसने लिंक्डइन पर जॉब के लिए अप्लाई किया था और इस एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स उसे 8 साल बाद मिला, और इस रिस्पॉन्स वाले मेल में भी लिखा था रिजेक्टेड। जरा सोचिए, अगर उसने इस मेल के इंतजार में ही कोई और जॉब अप्लाई नहीं किया होता तो क्या होता। नंबर 16, लोग अक्सर सोने से पहले अपने सारे प्रॉब्लम्स को याद करते हैं, लेकिन जानवरों में भी ये कॉमन है। जी हाँ, इंसानों की तरह भी कुत्ते रात को जब सोने जाते हैं तो अपने प्रॉब्लम्स और परेशानी के बारे में कुछ देर तक सोच कर जागते रहते हैं। नंबर 15, नॉर्थ कोरिया में दुनिया के सबसे अजीबोगरीब रूल्स हैं। इनमें से एक रूल ये भी है कि इस देश में कोई इंसान कार नहीं खरीद सकता। इस देश में मिलिट्री और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को छोड़कर कोई कॉमन आदमी कार नहीं खरीद सकता। नंबर 14, सारे विटामिन्स को बस 28 इयर्स के अंदर डिस्कवर कर लिया गया था। जी हाँ, 1913 से लेकर 1941 तक सभी विटामिन्स डिस्कवर हो गए थे। ये डिस्कवर तो इतने जल्दी हो गए थे, लेकिन आज अनहेल्दी फूड्स की वजह से हमारी बॉडी में विटामिन्स कम हो जाते हैं। पर हेल्दी डाइट फॉलो करने पर भी हम अपनी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाते जो इसे चाहिए, जिसकी वजह से हम जल्दी थक जाते हैं, हमारा स्टैमिना लो रहता है और इससे इम्यूनिटी भी अफेक्ट होती है। तो भाई इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है Vita 365। ये फाइटिका का एक साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड एंड क्लिनिकली स्टडीड सप्लीमेंट है। इसमें वो सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स है जो हमारी बॉडी को चाहिए। आधा कैरेट जितना विटामिन ए, आधा ऑरेंज जितना विटामिन सी, 20 आलमंड्स जितना विटामिन ई, और जिंक, बायोटीन, विटामिन B6, B12, आयरन, फॉलिक एसिड के अलावा अश्वगंधा, जिनसेंग भी इसमें मौजूद है। हर 2 दिन टैबलेट खाओ बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। इसे लेने से आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा क्योंकि इसमें है प्रोबायोटिक्स और ये 100% वीगन है विद 0 साइड इफेक्ट्स। तो आज ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फैटिका 365 ऑर्डर करें और अपने लाइफ को एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाओ। नंबर 14, इस पिक्चर को देखिए। यही होता है जब आप एग्जाम के सारे टॉपिक्स कवर कर लो और इम्पोर्टेंट टॉपिक रह जाए। इस गेट बनाने वाले को शायद पता नहीं कि इसने मेन पार्ट को ही कवर नहीं किया। भाई इस टॉयलेट को कौन यूज करेगा फिर। नंबर 13, गूगल मैप्स के आने वाले फीचर्स आपके होश उड़ाने वाले हैं। नए अपडेट में कई ऐसे फीचर्स जुड़ने वाले हैं जो अब से पहले कभी नहीं थे। इसमें 3D व्यू और लाइव लोकेशन सर्च का नया ऑप्शन जुड़ने वाला है जो कि कुछ इस टाइप का होगा। इसे यूज करके आपको लगेगा जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो। नंबर 12, आपने कंजरिंग 2 मूवी देखी होगी। आपको बता दें कि इस मूवी में दिखाई गई डेमोन नून वाला रियलिटी में भी मौजूद है। इस फिल्म के डायरेक्टर ने बताया था कि इस फिल्म की कहानी उन्होंने तब लिखना शुरू की थी जब लॉरेन वॉरेन ने बताया कि उनके पुराने घर में एक भूत है जो उन्हें सालों तक हॉन्ट करती थी, तो इससे उनको ये भूत का आइडिया आया। नंबर 11, इस औरत के पति ने जब उसे कहा कि उसे उसके पालतू पेट से प्रॉब्लम है तो उस औरत ने अपने पति को डाइवोर्स ही दे दिया। पर इस औरत का पेट कोई आम जानवर नहीं है बल्कि एक मगरमच्छ था। वो इस मगरमच्छ को अपने साथ 20 साल से रख रही थी, और तो और वो उसे रात में अपने साथ ही बगल में सुलाती थी। आप उस औरत के पति की जगह रहते तो क्या करते, कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 10, आपने एक चेयर पे कितने लोगों को बैठते देखा है। एक, ज्यादा से ज्यादा 2, लेकिन इस चेयर पर 3 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। ये खास तरीके की चेयर है। ये आज से हजारों साल पहले बनाई गई थी। इस चेयर पर 3 लोग एक साथ बैठकर कोई भी सीक्रेट डिस्कशन कर सकते हैं। नंबर 9, अगर आप और चाइना के सभी लोग एक सिंगल लाइन में खड़े हो तो इस लाइन में आगे जाने की आपकी बारी कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि चाइना के पॉपुलेशन की रिप्रोडक्शन रेट इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर 1000 लोग के बाद 11 नए लोग पैदा होते हैं।
हैं। आपको बता दें, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन रेट किसी और देश का है ही नहीं। नंबर 8, स्टारबक्स में मिली 3.6 लाख की कॉफी। यूएस में जब एक कपल स्टारबक्स में कॉफी पीने गए थे, तब उन्होंने अपनी 2 कॉफी का बिल देखा तो उनके होश उड़ गए। उनके बिल में 2 कप कॉफी का प्राइस 3.6 लाख रुपए था। उन्होंने जब इसकी कंप्लेंट ऑफिशियल से की तो उन्होंने इसे एक ह्यूमन एरर बताया और उन्हें एक और बिल भेजा गया जिसमें कॉफी का एक्चुअल प्राइस लिखा था। नंबर 7, इंडियन वाइनोस को काफी संभाल के और हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है। पहले लोग इन वाइनोस का इलीगल शिकार करते थे, लेकिन पिछले साल एक भी इंडियन वाइनोस को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। आपको बता दें कि ऐसा पिछले 45 सालों में नहीं हुआ है। नंबर 6, इस महान टीचर को आप सब जानते ही होंगे। ये टीचर घाना के एक गाँव में बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर ही MS वर्ड के बारे में पढ़ा रहा था। उसकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। वायरल होने के बाद एक इंडियन कंपनी ने इस महान टीचर की मदद करने के लिए इसे कंप्यूटर्स डोनेट किए, ताकि आगे से बच्चों को पढ़ने और टीचर को पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो। नंबर 5, ये बहुत ही फनी है। 1951 में जब न्यू जर्सी में मोस्ट ब्यूटीफुल लेग्स का एक कॉम्पिटिशन चल रहा था, ये एक ऐसा कॉम्पिटिशन होता है जिसमे जजेस ये जज करते हैं कि किसके पाँव सबसे अच्छे दिख रहे हैं। और जब ये कॉम्पिटिशन चल रहा था, तब वहाँ के सभी कंटेस्टेंट्स को अपने मुँह को ढकने को कहा गया था। ऐसा इसलिए ताकि जजेस कंटेस्टेंट्स को देख के डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए, उनका चेहरा देख कर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉम्पिटिशन के दौरान सभी कंटेस्टेंट्स ने अपने मुँह को पिल्लो से ढक रखा था। नंबर 4, इस आदमी ने 3 दिन शादी की। मजेदार बात ये है कि उसने अपनी तीनों बीवियों के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बना कर रखा है, ताकि वो उन्हें बराबर टाइम दे सके। कहते हैं शादी 2 लोगों को जोड़ता है, लेकिन यहाँ तो 4 लोग हैं। इस आदमी ने ट्रिपलेट बहनों से शादी की है। नंबर 3, आज भारत दुनिया भर में कितनी तरक्की कर रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2022 में दुबई में घर खरीदने के लिए इंडियंस ने करीब 35,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। वाओ। नंबर 2, अगर हमेशा मोबाइल डेटा ऑन रखेंगे तो क्या होगा? कई लोगों को लगता है कि उनका पूरा नेट खत्म हो जाएगा या फिर अननेसेसरी चीजें डाउनलोड हो जाएंगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप पूरे दिन अपने मोबाइल डेटा ऑन भी रखते हो तो ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 MB खर्च होगा, और ये भी ज्यादा है क्योंकि नोटिफिकेशन में और छोटी मोटी चीजों में खास नेट नहीं जाता। और रही बात डाउनलोड करने की, तो कोई भी चीज डाउनलोड नहीं होती जब तक आप उसे क्लिक ना करो। हाँ, लेकिन एक बात है, पूरे टाइम नेट ऑन रखने से आपका टाइम जरूर बर्बाद होगा, क्योंकि बार बार नोटिफिकेशन आएंगे जो कि आपको गारंटी डिस्टर्ब करेंगे। नंबर 1, वेजिटेबल को खाए तो वो हेल्दी है, लेकिन बर्गर में वेजिटेबल खाते हैं तो उसे अनहेल्दी क्यों गिना जाता है? दरअसल देखा जाए तो बर्गर में सब हेल्दी लगता है, जैसे चिकन या टोमेटो, ऑनियन, लेकिन फिर भी वो अनहेल्दी है क्योंकि इसमें काफी बेकार ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। बर्गर में सबसे बेकार चीज ऑयली होती है, जिसमें काफी ट्रांसफैट होता है, क्योंकि एक ही तेल को बार बार यूज किया जाता है। फिर जो बन होता है वो मैदे का होता है, जो उतना कुछ खास नहीं होता। फिर जो मिर्च मसाले का इस्तेमाल किया जाता है और अलग अलग सॉसेस का भी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी डाइजेशन में प्रॉब्लम करते हैं। इसलिए अगर होल व्हीट से बना ब्रेड हो और अच्छे ऑयल में पकी पैटी, देन बर्गर परफेक्ट और हेल्दी है। लेकिन आज होल व्हीट से बाकी ब्रेड भी पूरे नहीं होते और ना ही ऑयल अच्छे हैं, तो नॉर्मल खाना ही बेस्ट है। और बहुत लोग पानी पूरी को भी अनहेल्दी मानते हैं, लेकिन कम्प्लीटली ऐसा नहीं है। पानी पूरी देखा जाए तो काफी ज्यादा हेल्दी है, इवन कई बार हेल्थ के लिए अच्छी भी हो सकती है, लेकिन बाहर जो मिलती है वो नहीं, क्योंकि वो काफी अनहाइजीनिक होती है और उनका पानी भी गंदा होता है, प्लस रोड का डस्ट और कचरा भी उसमें जाता है, जो इसे और अनहेल्दी बनाता है। और बात करें एप्पल की, तो वो बहुत हेल्दी लगता है और वो है भी, लेकिन सिर्फ 1 या 2, यानी दिन में 1 या 2 एप्पल ही खाने चाहिए। उससे ज्यादा एप्पल खाना दांतों के लिए डेंजरस हो सकता है, और कई लोगों को इसकी एलर्जी भी हो सकती है, जो उनको पता नहीं चलता जब तक वो ज्यादा एप्पल ना खाए। भाई, ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि आप इस देश में जाके माला माल हो सकते हो? क्यों इस आदमी ने बस अपने कुत्ते को घुमाने के लिए अपनी 30 लाख की जॉब छोड़ दी? और आपके टूथपेस्ट में ये चीज नहीं है तो आपके टूथब्रश करने का कुछ फायदा ही नहीं है। और कैसे आप नकली और असली चीजों में फर्क पता कर सकते हो? भाई, ये वीडियो ऑसम है तो इसे अभी देखो, और ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।